C और C++ में Scope of Variables पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे Scope of Variables क्या है, Global Variable क्या है, Local Variable क्या है। कुछ उदाहरण। हम कुछ सामान्य एरर्स और उनके समाधानों को भी देखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Operating System version 11.04, GCC और G++ Compiler version 4.6.1 का प्रयोग कर रहा हूँ। Scope of Variables के परिचय के साथ शुरू करते हैं। यह कोड का क्षेत्र है जिसमें वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। इसके प्रकार और डिक्लेरेशन के स्थान के अनुसार यह दो श्रेणियों में विभाजित है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। अब हम एक उदाहरण देखेंगे। मैंने एडिटर में पहले से ही प्रोग्राम टाइप किया है, इसे खोलें। ध्यान दें कि हमारा फाइल नेम scope.c है। अब मैं कोड समझाता हूँ। यह हमारी हेडर फाइल है। यहाँ हमने दो ग्लोबल वेरिएबल्स a और b घोषित किए हैं और हमने उन्हें वैल्यू के रूप में 5 और 2 निर्दिष्ट करके इनिशियलाइज किया है। ग्लोबल वेरिएबल आपके प्रोग्राम में सभी फंक्शंस के लिए उपलब्ध है। ये मेन फंक्शन के ऊपर किसी भी फंक्शंस के बाहर घोषित हैं। इनमें ग्लोबल स्कोप है। यहाँ हमने ऐड फंक्शन बिना आर्गुमेंट्स के घोषित किया। यहाँ सम एक लोकल वेरिएबल है, यह ऐड फंक्शन के अंदर घोषित है। लोकल वेरिएबल केवल उन फंक्शन के लिए उपलब्ध है जिसमें यह घोषित है। ये वेरिएबल्स ब्लॉक के अंदर घोषित हैं, इनमें लोकल स्कोप है। तो a और b का योग सम वेरिएबल में संचित होगा। यहाँ हम सम प्रिंट करेंगे। यह हमारा मेन फंक्शन है। ऐड फंक्शन कॉल होता है और फिर निष्पादित होता है। और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम को निष्पादित करें। कृपया अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl, Alt और T कीज दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें। कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc स्पेस scope.c स्पेस -o स्पेस sco और एंटर दबाएं। निष्पादित करने के लिए टाइप करें /sco, एंटर दबाएं। आउटपुट निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है। सम ऑफ a एंड b 7। अब देखते हैं कि इसी प्रोग्राम को C++ में कैसे निष्पादित करें। अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। पहले अपने कीबोर्ड पर एक साथ Shift, Ctrl और S की दबाएं। अब एक्सटेंशन .cpp के साथ फाइल को सेव करें और सेव पर क्लिक करें। हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम में बदलें। अब यूजिंग स्टेटमेंट को सम्मिलित करें और सेव पर क्लिक करें। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल की घोषणा C++ में समान है, अतः कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रिंटफ स्टेटमेंट को cout स्टेटमेंट में बदलें। फॉर्मेट स्पेसिफायर और बैकस्लैश n डिलीट करें। अब कॉमा डिलीट करें। दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स टाइप करें। क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करें। फिर से दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करें और डबल कोट्स में बैकस्लैश n टाइप करें। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम को निष्पादित करें। टर्मिनल पर वापस आएं। कंपाइल करने के लिए टाइप करें g++ स्पेस scope.cpp स्पेस -o स्पेस sco1। यहाँ हमारे पास .sco1 है
क्योंकि हम scope.c फाइल के लिए आउटपुट पैरामीटर sco को ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं। अब एंटर दबाएं। निष्पादित करने के लिए टाइप करें /sco1 और एंटर दबाएं। आउटपुट इस प्रकार दिखता है, sum of a and b is 7। हम देख सकते हैं कि यह हमारे C कोड के समान है। अब हम कुछ सामान्य एरर्स देखेंगे जो आ सकती हैं। अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। मानिए कि यहां मैं वेरिएबल a फिर से घोषित करूंगा। टाइप करें int a और सेमीकोलन। सेव पर क्लिक करें। हमने मेन फंक्शन के ऊपर और ऐड फंक्शन के बाद वेरिएबल a घोषित किया। देखते हैं क्या होता है। अपने टर्मिनल पर वापस आएं। अब पहले की तरह कंपाइल करें। हमें एरर्स दिखती हैं। रीडेफिनेशन ऑफ int a previously defined here। अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। a एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसमें ग्लोबल स्कोप है। हम दो बार वेरिएबल घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पहले से ग्लोबली घोषित है। हम केवल वेरिएबल a को लोकल वेरिएबल के रूप में घोषित कर सकते हैं। एरर फिक्स करें। इसे डिलीट करें। सेव पर क्लिक करें। फिर से निष्पादित करें। अपने टर्मिनल पर वापस आएं। अब पहले की तरह कंपाइल और निष्पादित करें। हां, यह कार्य कर रहा है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल जैसे int a is equal to 5 और लोकल वेरिएबल जैसे int sum। नियत कार्य के रूप में दो संख्याओं की भिन्नता को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।